यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर बहुत तेज चलता है। बुलडोजर चलाते चलाते क्या पुलिस वाले यूपी में बंदूक चलाना तो छोड़िए, यह भी भूल गए कि बंदूक में गोली कहां से कैसे डालकर गन लोड की जाती है। यूपी में एक डीआईजी जब थाने में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो पता चला पुलिसकर्मी गन में गोली डालना नहीं जानते, बंदूक लोड करना नहीं जानते। जगह है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, बाईं तरफ खड़े हैं आरके भारद्वाज, डीआईजी है। यहाँ थानों का निरीक्षण हो रहा है। पहले पुलिसकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गन का प्रयोग करके दिखाया, फिर अगले पुलिसकर्मी की बारी आई। वो आगे आए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कंधे पर गन ली और फिर आगे की बातचीत सुनिए। गन में नली की तरफ से ही कारतूस डालने की बात करने वाले पुलिसकर्मी का आत्मविश्वास देखकर डीआईजी साहब हंसी अंदर दबा ले गए। पीछे खड़े दूसरे सीनियर ने माथा पीट दिया। ये यूपी पुलिस वाले महानुभाव 12 बोर की रिपीटर गन का प्रयोग दिखा रहे हैं, जिसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायर करने पर छर्रे निकलते हैं, लेकिन डीआईजी साहब के सामने कारतूस ही गलत जगह से डालकर गन लोड करके दिखाने लगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल चढ़ाएंगे सर, फिर किस्त लेंगे सर, किस्त लो फिर करो। कौन मरा? अरे इसे मरेगा बिल्कुल सर, लेन का तो डाला किसने सर, लेन का भीड़ का इतनी तरह तो नहीं, मगर फायर करने के लिए सर तुम कोई चोट नहीं लगे, फायर करने के लिए चोट में चोट नहीं, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। बहुत देर से डीआईजी संयम बरतते हुए हंसी रोके हुए थे, अंत में मुंह से भावनाएं निकल पड़ी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे होता तो दूसरे पुलिसकर्मियों से भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में नहीं दिखा, जहां एक गन लोड करके दिखाने में दूसरे पुलिस अधिकारी इशारा करके बताते रहे, तीसरे कहते मिले अरे घबराओ मत और आगे ले जाओ, और चौथे को खुद फिर आगे हाथ में गन लेकर मदद करनी पड़ी। तीन तीन चार चार पुलिसकर्मी एक एक गन लोड करने में ऐसे भुजक्कड़ वाली भूमिका में दिखने लगे जैसे ना जाने गणित का पर्चा बताकर जीव विज्ञान का पेपर दे दिया। तीसरी तस्वीर, ठंडी में पसीना छूटने लगा जैसी हालत दिखी, जहां डीआईजी आरके भारद्वाज के निरीक्षण के दौरान पिस्टल लोड करने में दरोगा साहब लोग अल्बलाइटिस का शिकार नजर आए। ये तीन तस्वीर देखकर सवाल उठता है, क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिस कर्मियों का निल बटे सन्नाटा हाल है, जहां पुलिस वाले को नहीं पता भीड़ को नियंत्रित करने वाली गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से? क्या ऐसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षा देकर शहर सुरक्षित रख सकते हैं? जहां अपराधी सामने आ जाए तो पुलिस वाले गन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके अड़ोस पड़ोस से लोड करने की मदद मांगेंगे, क्या वहां जनता महफूज रहेगी? कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल ना होने का ही नतीजा था, और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं, वहाँ पर कोई कमी अगर आई है जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है उसी चीज़ की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। आगे नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पीछे तो हो चुका है। याद करिए 4 साल पहले की बात, संभल में अपराधियों को घेर चुकी उत्तर प्रदेश पुलिस की बंदूक ने जब धोखा दे दिया तो पुलिसकर्मी ही मुंह से ठाए ठाए करके अपराधियों को डरा रहे थे, अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। इधर आओ मारो,
पता चला है यूपी पुलिस को कभी कभी खाए खाए मुंह से क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिस कर्मी गोली नली से ही डालने लगेंगे तो मामला खाए खाए फिर से ही होगा।